स्वागत वेलकम करता हूं। मैं बता दूं आप सभी को, बहुत लोगों का एक कमेंट रहता है कि सर बताइए कि मतलब जो जो स्टूडेंट अगर फेल हो गया है या जिन और मतलब सीधा समझा जाए कि जो भी अगर किसी सब्जेक्ट में फेल है स्टूडेंट, जैसा कि अभी एमपी फर्स्ट ईयर जीएनएम का रिजल्ट आया है, तो कुछ लोग होंगे जो कि जिनका रिजल्ट खराब आ गया होगा, तो ऐसे में उन स्टूडेंट का क्या होगा? क्या उनका बैक लगेगा या उनका एक साल पीछा चला जाएगा या क्या होगा? तो हम संपूर्ण डिटेल में इस पर बात कर लेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू। तो दोस्तों मैं यहां पे बता दूं कि मैं हूं राहुल मिश्रा और आप देख रहे हैं नर्सिंग एग्जाम को। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप शेयर कीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए हम बात करते हैं। बात यह है कि अभी फर्स्ट ईयर जीएनएम का एमपी का रिजल्ट आया है, तो बहुत लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिजल्ट निगेटिव आ गया, निगेटिव कहा जाए तो असफल हो गए हैं इस बार। तो कुछ लोग हैं जिनका उस असफल में कुछ नंबर से, एक दो नंबर या पाँच नंबर से फेल हुए होंगे, तो उनको रीचेकिंग में या रीटोटलिंग में हो सकता है उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, मतलब पास हो जाए, तो उनका तो इसी माध्यम से हो जाएगा। लेकिन मान गए कुछ ऐसे लोग हैं जिनका 10 नंबर 15 नंबर से फेल हुए हैं किसी सब्जेक्ट में, तो उनको दोस्तों रीचोकिंग या डीटोटलिंग से हमें नहीं लगता है कि कुछ होगा, क्योंकि 10 नंबर 15 नंबर के अंतर बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, एक दो क्वेश्चन का सवाल हो जाता है। तो ऐसे में इतना गलती कोई भी कॉपी चेकने वाला, कोई भी कॉपी देखने वाला नहीं कर पाएगा, या वो मार्क्स देने में हो या वो ऐड करने यानी जोड़ने में हो, ऐसा गलती नहीं कर करता है। तो गलती होता कहाँ है? तो दोस्तों गलती जो स्टूडेंट नहीं लिखते हैं उनको यहाँ पे दिक्कत होता है, कॉपी में कुछ लिखे ही नहीं रहेंगे तो उनको नंबर नहीं मिलता है, सीधी सी बात है। या कुछ भी लिखे रहते हैं अलूल जलूल, तो कॉपी लिखने से पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट किस प्रकार के आंसर और अंदर लिखा होगा। अगर शुरू में ही गड़बड़ा देते हैं तो फिर उसका नंबर कम आता है। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट होंगे फेल हो गए होंगे, तो ये मैं बताता हूँ कि उनको आगे क्या करना पड़ेगा, क्या उनका एक साल बैक हो जाएगा या उनका जो चीज़ें होगा क्या होगा। तो मैं सीधा सीधा स्पष्ट बता देता हूँ कि उनका जो सेशन होगा बैक नहीं होगा, बैक नहीं होने वाला है। कुछ लोग रीटोटलिंग और रीचेकिंग से निकल जाएंगे फेल वाले, तो निकल जाएंगे, और जो भी स्टूडेंट बच जाएंगे उनको सेम जो भी सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा, जिसका भी रिजल्ट आ गया है, पास हो गया है, उसका सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा, तो उसी के साथ में फेल वाले का भी सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा, बशर्ते कंडीशन यहाँ पे ये आता है कि आपको फर्स्ट ईयर क्लियर करना होता है। तो उसके लिए जो एमपी है वहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है जीएनएम में। जीएनएम में क्या होता है? सप्लीमेंट्री का एग्जाम होता है। वो सप्लीमेंट्री का एग्जाम आप जो भी सब्जेक्ट में फेल किए हैं उस सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिकल भी होगा और वहाँ पे थ्योरी पेपर भी होगा उसी सब्जेक्ट का, और आप उसको क्लियर करके आप सेकेंड ईयर के एग्जाम में सबके साथ बैठ सकते हैं, यानी आपका सेशन बैक नहीं होगा। अब बात आता है कि सप्लीमेंट्री होगा कब? तो देखिए, जब रीचेकिंग और रीटोटलिंग का सारा क्लियर कर देगा, मतलब फाइनल कर देगा रिजल्ट और अपना डिसीजन बता देगा, उसके बाद वो क्या करता है, सप्लीमेंट्री का फॉर्म निकालेगा, सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम हो जाएगा, और उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका रिजल्ट जारी कर देगा। उसमें जो लोग पास हो जाएंगे, लगभग उसमें सभी पास हो ही जाते हैं, तो उसमें पास होने के बाद आप सीधा सेकेंड ईयर में सबके साथ बैठ सकते हैं और आपका सेशन बराबर चलेगा। अब बात आता है कि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम तो दो ढाई महीना में होगा, तो सप्लीमेंट्री का कब होगा? तो मैं बता दूं, जब मैंने टीचर से कॉलेज में डिस्कस किया इस मुद्दे पे, तो टीचर ने बताया कि सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम या तो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने से पहले हो जाएगा या सेकेंड ईयर के साथ में होगा, मतलब जब फर्स्ट ईयर क्लियर करेगा तभी तो सेकेंड ईयर में जाएगा ना, तो इसलिए सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देकर पास करेगा तभी तो सेकेंड ईयर का वो एग्ज़ाम दे पाएगा। तो इसलिए सेकेंड ईयर सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम या तो सेकेंड ईयर से पहले हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा, या हो सकता है कि सप्लीमेंट्री जब मेन एग्ज़ाम हो सेकेंड ईयर का तो उसी में सप्लीमेंट्री का भी पेपर रखा जाएगा जो फेल हो चुके रहेंगे उनके लिए, और वो सेकेंड ईयर का भी देंगे और सप्लीमेंट्री का भी एग्जाम वो देंगे। तो ये चीजें होगा उनके लिए, मतलब सीधा कहा जाए तो उनको सेकेंड ईयर भी पढ़ना होगा और फर्स्ट ईयर भी पढ़ना होगा, तभी जाके फर्स्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट में उनका क्रॉस लगा है वो सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा और सेकेंड ईयर का भी सिलेबस पढ़ना होगा। अगर साथ में दोनों का एग्जाम होता है तो आपको देना पड़ेगा, अगर पहले सप्लीमेंट्री हो जाता है तो कोई बात नहीं है, पहले उसका दे दीजिए और फिर जो है वो आपका सेकेंड ईयर का दीजिएगा। मतलब कहा जाए तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम है बैक नहीं होगा, और बैक नहीं होगा बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपका जो सेशन होगा, जैसे 20 से 23 सेशन है, तो आपका सेशन 20 से 23 ही रहेगा, सप्लीमेंट्री का एग्जाम देकर आप अगले ईयर का भी एग्जाम उसी साल दे सकते हैं, ये सारा व्यवस्था किया गया है। अब सप्लीमेंट्री एग्जाम का क्या डिसपॉइंटेड है, क्या अच्छी बातें हैं, क्या गलत बातें हैं, वो अगले वीडियो में बताएंगे कि मतलब सप्लीमेंट्री दोनों से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है, तो ये सारे चीज़ों को हम बात करेंगे डिस्कस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक।